नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचि पांडे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए आज लेके आई हूँ sp3 dehybridization। इससे पहले हम जो पढ़ चुके हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन तक हम क्लियर कर चुके हैं। सो नाउ आई एम स्टार्ट द sp3 dehybridization। जैसे नाम से क्लियर हो रहा है sp3 dehybridization, दैट मीन्स द मिक्सिंग ऑफ s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल एंड 1d ऑर्बिटल, जिसमें एक s, 3p और एक d ऑर्बिटल मिक्स होकर एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं sp3 dehybridization। sp3 hybridization क्या है, देखिए, व्हेन 1s एंड 3p ऑर्बिटल एंड 1d, जिसमें जो 1d ऑर्बिटल होगा कौन सा होगा, dz स्क्वायर। यू नो दैट d ऑर्बिटल इज डिवाइडेड इनटू dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। तो हमारा dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर में से कौन सा आ जाएगा, dz स्क्वायर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल ऑफ द सेंटर एटम ए गिवन मॉलिक्यूल्स और आयन मिक्स्ड अप टुगेदर एंड गिव राइज टू द फॉर्मेशन ए सेट ऑफ 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल, द प्रोसेस इज नोन एज द sp3 dehybridization। एंड न्यू ऑर्बिटल इज फॉर्म आर कॉल्ड sp3 dehybrid ऑर्बिटल। क्या मतलब है कि एक s, 3p और एक d जो कि dz स्क्वायर वाला होगा मिक्स होकर sp3 dehybridization बनाएंगे, और उसमें बने हुए हाइब्रिड ऑर्बिटल जो इक्विवेलेंट एनर्जी के बनेंगे उन्हें कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे, sp3 dehybrid ऑर्बिटल के नाम से जाना जाएगा। एंड दिस टाइप ऑफ प्रोसेस नोन एज sp3 dehybridization की प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम कौन सी प्रोसेस कहेंगे, sp3 dehybridization। ये प्रोसेस हमारी कौन सी प्रोसेस कराएगी, sp3 dehybridization। अब sp3 dehybridization में स्ट्रक्चर किस तरह से शो होगा, देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये हो गया डी एस ऑर्बिटल, ये 3p ऑर्बिटल, ये हमने एस ऑर्बिटल लिया है, एक ऑर्बिटल pxy, दूसरा हो गया px, दूसरा हो गया py, तीसरा हो गया pz, ठीक है। और जेड ऑर्बिटल कौन सा बोला हमने, dz स्क्वायर, तो dz स्क्वायर ईच आर मिक्स टुगेदर एंड प्रोड्यूस sp3। ये हाइब्रिडेशन कौन सा हो गया आपका, sp3 dehybridization। ये हमारा हाइब्रिडेशन हो गया sp3 dehybridization, जिसका स्ट्रक्चर आपको क्या दिख रहा है, ये ऑल आर मिक्स टुगेदर, जिसका स्ट्रक्चर हमें क्या दिख रहा है, ट्राइगोनल बाइक्रामिडल। ट्राइगोनल ये ट्राइंगल जैसा दिख रहा होगा, देखिए आप, ये दिस वन इज द ट्राइंगल टाइप स्ट्रक्चर। एंड बाइक्रामिडल, एक पिरामिड के ऊपर एक पिरामिड के नीचे, हमारा जो स्ट्रक्चर पिरामिड का मतलब होगा ये ट्राइंगल, अगर हम इस वाले पोर्शन को एक बेस माने तो दिस इज द अबव द प्लेन एंड दिस इज द बिलो द प्लेन, सो दिस इज नोन एज द बाइक्रामिडल। कोई भी प्लेन के ऊपर और नीचे दो बार है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो दैट इज नोन एज द बाइक्रामिडल। अगर ऊपर ही पर है तो ओनली पिरामिडल, सो दिस इज द बाइक्रामिडल स्ट्रक्चर। एंड एट दिस टाइम दिस बॉन्ड एंगल इज 120। इस बॉन्ड एंगल को हम क्या शो करेंगे, 120, ठीक। बात यह आती है कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रा होगा, ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, वो आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करें, सो द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आर द इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप आर ओरिएंटेड टुवर्ड द 5 कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या कह रहा है कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होने के लिए उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, उसकी इक्विवेलेंट एनर्जी, द एनर्जी शुड बी इक्विवेलेंट, उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, इक्विवेलेंट एनर्जी, एनर्जी आपकी इक्विवेलेंट होगी। एंड दे आर ओरिएंटेड टुवर्ड द 5 कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर ट्राइगोनल। मैंने आपको पहले बोला कि वो आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होने के लिए ट्राइगोनल, ट्राइंगल के 3 कोने पर, और 5 कॉर्नर करने का मतलब बाइपिरामिडल एक तल के ऊपर और तल के नीचे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 5 ऑर्बिटल टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग ऑफ sp3 dehybridization। और इस टाइप के अरेंजमेंट को हम कौन सा अरेंजमेंट कहते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सो दैट मींस 5 एटॉमिक ऑर्बिटल शोन द इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड दे आर मिक्स टुगेदर एंड प्रोड्यूस ए sp3 d टाइप हाइब्रिडाइजेशन। द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज दैट दे डू नॉट लाई इन वन प्लेन। ये एक प्लेन पे नहीं होते, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला द ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, सो दैट इज द ट्राइगोनल एंड बाइपिरामिडल, दैट्स दिस इज द अबव द प्लेन एंड दिस इज द बिलो द प्लेन। जो ऑर्बिट्स हैं आपको मैंने जैसे कि इस स्ट्रक्चर में शो करा कि इनका स्ट्रक्चर आपका, अगर आप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की ज्योमेट्री बोलेंगे तो आपको मैंने बोला अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, सो दिस इज द अबव द प्लेन एंड दिस इज द बिलो द प्लेन। सो इसीलिए एक अबव द प्लेन है और दूसरा क्या है, बिलो द प्लेन है। 5 ऑर्बिटल इज नॉट इन इक्विवेलेंट इन एनर्जी, द 3 ऑफ द 5 ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड बैसिलर इक्विटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल आर ओरिएंटेड टुवर्ड द कॉर्नर
ऑफ एन इक्विटोरियल एंगल फॉर्मिंग ए ट्राइंगुलर प्लेन वाइल द रिमेनिंग टू कॉल्ड एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल लाइज अबव एंड बिलो द प्लेन. यानी कि ये जो तीन पॉइंट, तीन आपके जो बेस पर बने हुए हैं, सो दिस इज नोन एज इक्विटोरियल. ये क्या कहलाते हैं आपके? इक्विटोरियल, इक्विटोरियल कहलाते हैं. एंड द वाइल द रिमेनिंग टू आर कॉल्ड एक्सियल. जो रिमेनिंग दो रह जाते हैं, दिस वन इज द अबव द प्लेन, दिस वन इज द बिलो द प्लेन, सो दिस इज नोन एज द एक्सियल. इन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल अबव एंड बिलो द प्लेन ऑन द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द प्लेन. ये प्लेन के ऊपर और नीचे होते हैं जो कि सेंट्रल एक्सिस के से पास होते हुए निकलते हैं. सो दैट मीन्स sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में सारे ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट एनर्जी के होने के साथ साथ उसकी ज्योमेट्री, क्योंकि ट्राइगोनल पिरामिडल है, इसलिए तीन तो एक प्लेन भी होते हैं और दो क्या होता है? अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन सो होते हैं. एक अबव द प्लेन सो होगा और दूसरा क्या होगा? बिलो द प्लेन प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट, अगर थर्ड करैक्टरिस्टिक्स को हम लेके चले, सो दिस इज द थर्ड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल, दैट इज द एंगल बिटवीन ईच एडजेसेंट पेयर ऑफ बेसल हाइब्रिड ऑर्बिटल इज 120. जो बेसल हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके बीच का एंगल यानी कि कोण 120 अंश का होगा. एंड द टू एक्सल हाइब्रिड ऑर्बिटल इज 180. एंड द बिटवीन एक्सल एंड बेसल, एक्सियल और बेसल के बीच में जो एंगल होगा 90. यानी कि इसमें तीन टाइप के एंगल्स पाए जाते हैं. एक होता है 120, दूसरा होता है 180 और थर्ड, तीसरा होता है 90 डिग्री. ठीक, जिसके एग्जांपल्स हम ले सकते हैं AX5. एक्स का मीन्स हो गया एनी हैलोजन्स, वी टेक कोई भी हैलोजन्स ले लीजिए. ठीक, और पी का मतलब हो गया फिफ्थ ग्रुप के कोई भी एलिमेंट, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एक्स्ट्रा, और एक्स का मतलब हो गया आपका हैलोजन्स. ठीक, अब इतनी मैंने बात बोल दी कि इसके ये करैक्टरिस्टिक्स होते हैं और सारे एक तल के ऊपर एक तल के नीचे यानी कि अबव द प्लेन बिलो द प्लेन होते हैं जो कि इक्वेटर और एक्सल एंगल बनाते हैं. तो वी टेक द एग्जांपल ऑफ एनी हाइब्रिडाइजेशन. सो फर्स्ट वी टेक द एग्जांपल ऑफ पी सेल 5. हम किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं? पी सेल 5 का, जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि इसमें एक्सल इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल बनते हैं और इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है. तो मैंने क्या लिया? एक पी ले लिया यहाँ से और एक हाइड्रोजन फ्लोरिन ले लिया, क्लोरिन ले लिया, कुछ भी ले लिया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं कि पी सेल 5 में sp3d hybridization है या नहीं है. तो we take the Schwarzkopf formula to find out the hybridization. You know that formula is V plus M minus C plus A. जो आपका formula है hybridization का क्या है? V plus M minus C plus A, जो मैं आपको पहले भी कई वीडियो में explain कर चुकी हूँ. इसका detail आप पहले की वीडियो चेक करेगा. तो first of all हम ले रहे हैं PCl5 का formula, PCl5 में फाइंड करने के लिए कि इसमें कौन सा टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है. तो फर्स्ट हमने दिया H, H means hybridization, 1/2, V means होता है valence electron of the center metal, center metal के surrounding में कितने इलेक्ट्रॉन है. फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 2, 8 और 5, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5. प्लस मोनोवैलेंसी, मोनोवैलेंसी का मतलब इसके सराउंडिंग में एक वैलेंसी वाले कितने नंबर ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. क्योंकि P के सराउंडिंग में 5 Cl है जिसकी वैलेंसी 1 होती है, सो वी पुट डाउन 5. कैटायन इसमें है नहीं, एनायन इसमें है नहीं, सो वी गेट व्हाट? 10/2, दैट मींस 5. इसका मतलब है इसमें 5 एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने हैं. 5 एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब हो गया एक S का, 3 P के, और उसके बाद स्टार्ट हो जाता है D के. क्योंकि आपको पता है P, Px, Py, Pz. ठीक है, एंड देन 5/5 वाला क्या हो गया आपका? डी ऑर्बिटल. सो वी फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन. तो हमने इसमें पाया कि इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है. sp3d हाइब्रिडाइजेशन पाए जाने के साथ साथ इसकी ज्योमेट्री और इसमें हाइब्रिडाइजेशन शो कैसे करेंगे ये देखिए. sp3d हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है ये तो क्लियर हो गया, बट उसको शो कैसे करेंगे देखिए. हम एक्सप्लेन करते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ PCl5. ये तो आपका क्लियर ही है कि इसमें हमें किसमें शो करना है? PCl5 में. फर्स्ट वी राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस, दैट इज 15. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फास्फोरस, दैट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2 एंड 3p3. ओके, योगा 2 और 2 4 और 6 10 2 12 और
350। एटम नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है इसका 3s2 3pt, क्योंकि ये वाली सेल्स कंप्लीटली फिल्ड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ग्राउंड स्टेट ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस ग्राउंड स्टेट में क्या होगी, दिस इज 3s एंड दिस इज 3p, ये हो गया आपका 3s ऑर्बिटल और ये होगा 3p, क्योंकि आपके ये 1s 2s और 2p ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। सो 3s ऑर्बिटल टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग। तो 3s में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, दिस इज 3s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके हैं 2, मैंने 3s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 शो कर दिए। 3p में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3। सो दिस इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ फास्फोरस। नाउ फास्फोरस इन एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में फास्फोरस किस तरह से शो होगी, एक्साइटेड स्टेट में द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव टू द हाईएस्ट ऑर्बिट, मूव टू द हाईएस्ट ऑर्बिटल। 3s के बाद क्या होता है, 3d ऑर्बिटल आता है। सो v शो होता है 3d एम्प्टी ऑर्बिटल, हम इसके 3d को ऑर्बिटल को एम्प्टी को शो करेंगे। अब बॉन्डिंग शो करनी है, सो बॉन्डिंग तभी हो सकती है जब उसमें वेकेंट, जब उसमें क्या होंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और आपका हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। सो नाउ दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव टू द हाईएस्ट एनर्जी लेवल, सो दिस इज द 1 2 3 4, और जो इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया है ये आपका पी में चले गए। सो पी एक्साइटेड स्टेट में इस तरह से शो हो रही है। अब एक्साइटेड स्टेट में शो होने के बाद इसकी बॉन्डिंग शो करेंगे किसके साथ, क्लोरीन के साथ। सो दिस इज द 1 क्लोरीन, this is the second chlorine, this is the third, this is the fourth and this is the fifth. So now we observe that एक s orbital, p के तीन orbital और एक d orbital. Hybridization में participate करता है और हमारा hybridization आता है sp3d. इस तरह से हम sp3 hybridization को explain करेंगे, ठीक। बट क्वेश्चन ये उठता है कि मैं बार बार कह रही हूँ sp3d hybridization में ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, उसमें तीन टाइप के एंगल पाए जाते हैं। हमने कहा तीन टाइप के एंगल पाए जाते हैं, सो हाउ, सो ज्योमेट्री इज sp3d hybridization, तो देखिए द ट्राइगोनल, दिस इज द ट्राइंगल टाइप का स्ट्रक्चर एंड p, तीन कॉर्नर, 1 कॉर्नर क्लोरीन, दिस इज द सेकेंड कॉर्नर इज द क्लोरीन एंड दिस इज द थर्ड कॉर्नर ऑफ द क्लोरीन। सो These थ्री आर द बेस, क्या कह सकते हैं आप, इक्वेटोरियल बेस, ये आपका क्या है, इक्वेटोरियल बेस, एंड वन इज अबव द प्लेन एंड सेकेंड इज ऑल्सो बिलो द प्लेन, सो दिस इज द सियर एंड दिस इज ऑल्सो सियर। इसमें तीन टाइप के एंगल पाए जाते हैं, कहा द बेसल हाइब्रिड ऑर्बिटल इज 120, मैंने आपको पहले भी डायग्राम में दिखाया, बेसल इज दिस इज 120, आपको दिख रहा होगा साहब, तो दिस एंगल इज 120, यहाँ पर यह एंगल कितना दिखेगा, 120, एंड दिस इज द पैरेलल लाइन, दिस इज आपकी ये परपेंडिकुलर लाइन दिख रही है, दिस लाइन इज द परपेंडिकुलर लाइन, सो दिस एंगल इज व्हाट, दिस एंगल इज 180, आपको साफ क्लियर हो रहा है, ये हमारा एंगल कितना दिख रहा है, 180, दिस एंगल इज 180, ओके, सो दिस इज ऑल्सो सेटिस्फाई, एंड द बिटवीन द एक्सेल एंड बेसल हाइब्रिड, एक्सेल और बेसल हाइब्रिड के बीच में जो आपका एंगल होता है, तो ये दिस इज द एक्सेल हाइब्रिड एंड दिस इज द बेसल हाइब्रिड, सो दिस एंगल इज व्हाट, दिस इज द 90 डिग्री, हमारा ये एंगल कितना दिख रहा है आपको, 90 डिग्री, दिस एंगल इज द 90 डिग्री। नाउ व्हाट, सो दिस स्ट्रक्चर इज ट्राइंगुलर, दिस इज द ट्राइंगुलर एंड बाइपिरामिडल, बाइपिरामिड एक तल के ऊपर एक तल के नीचे, हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, जैसे ये आपको मैं एंगल को शो कर सकती हूँ ऐसे, इट्स लाइक दिस वन, सो दिस ये एंगल, खाली एंगल एंगल के लिए हम ये शो कर देंगे, ये एंगल दिख रहा होगा आपको कितना, 180 दिख रहा है, ये आपका ये 90, ये आपका कितना, ये आपका हो गया 180 हो गया, ठीक, और ये वाला एंगल, ये दिस एंगल, ये वाला एंगल आपको कितना दिख रहा है, 120 दिख रहा है, दिस एंगल इज द 120, और ये जो बेस के साथ बना हुआ है दिस इज द व्हाट, 90 डिग्री, ये आपको कितना है, 90 डिग्री। तो आप क्या समझे, हम ये समझे कि हमने कहा sp3d हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक s, 3p और 1d ऑर्बिटल जो होते हैं मिल करते हैं, देखिए देखिए सब सेम स्टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन को शो करते हैं जिसमें एक s, 3p और 1d ऑर्बिटल मिलकर क्या होते हैं, sp3d हाइब्रिडाइजेशन को शो करते हैं। तो इस प्रकार हम sp3d हाइब्रिडाइजेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट होगा वो होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।